डिटेक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो की जो डिटेक्शन है, अब बीटा डीके के अंदर जो प्रोसेस है हमारे पास, वो तीन तरह के होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव जिसको हम कहते हैं, बीटा नेगेटिव डीके है, पॉजिट्रॉन डीके जिसको बीटा पॉजिटिव कहते हैं, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। अब इन तीनों प्रोसेस के अंदर जो है वो न्यूट्रिनोज जो हैं वो एमिट भी होते हैं, एब्जॉर्ब भी होते हैं। तो अब वो जो न्यूट्रिनोज एमिट या एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो दो तरह के हैं, जिनमें एक नेट न्यूट्रिनो एक एंटी न्यूट्रिनो है। तो किस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये दो पार्टिकल्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से या नहीं है? तो डिटेक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो के लिए जो है वो टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट्स वर स्टार्टेड बाय रेन्स एंड कोवन इन 1952 एंड कंप्लीटेड इन 1960। So this is the series of experiment which continued for almost 8 years. उन्होंने किया क्या, they used nuclear reactors as a source of anti-neutrino. In nuclear reactors, fission of uranium-235 produces neutron-rich fission products which undergo beta decay and emits anti-neutrino particles. The flux of anti-neutrino estimated to be 10 to the raised power 13 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये स्ट्रीम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो जो है उसकी इंटेंसिटी है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 13 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इतने न्यूट्रिनोज जो हैं इस फिशन प्रोडक्ट्स के अंदर एमिट होते हैं, उनकी स्ट्रीम जो है वो। इफ एंटी न्यूट्रिनो आर रियल पार्टिकल्स दे शुड इंटरेक्ट विद प्रोटॉन्स। अगर एंटी न्यूट्रिनोज वाकई एग्जिस्ट करते हैं और न्यूट्रिनो से डिफरेंट पार्टिकल हैं, तो उनके साथ उनको प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, और क्या होगा उसके अंदर, उस इंटरेक्शन के अंदर के प्रोटॉन जो है वो विल बी गोइंग अ डिके एंड अंडर डिके, और वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस अ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, फॉर प्रोटॉन टारगेट रेन्स एंड कोवन टुक लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर which is approximately equals to 0.3 meter cube, that is the volume of the water they have used to perform the experiments, in which small quantity of cadmium dichloride was dissolved. Ab cadmium dichloride humne kyun use kiya, ye aage explained hai ki cadmium jo hai wo dobara se jo neutrons hain jo produce honge unko capture karega and then signals jo hain wo generate honge. To ab step by step ye experiment hai jisko humne samajhte jana hai ki they have considered the specific volume of water. Sabse pehle jo hai ek stream of anti neutrinos consider ki gayi jisko jiski value 10 to the raise power 13 centimeter square per second thi. Uske baad water which is approximately equals to 0.3 meter cube, that is the volume of the water, and a small amount of cadmium dichloride chloride was dissolved in the water. Ab kya hoga ki jab anti neutrinos jo hai wo interact karenge water protons ke sath, to water proton ke sath interact karne ki wajah se yahi wala jo last mein is slide ke andar humne likha hua hai ki anti neutrino plus neutron plus proton will be giving a neutron and a beta particle, beta positive particle. तो जब ये एंटी न्यूट्रिनो जो है वाटर में जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो जो उसमें मौजूद प्रोटॉन्स हैं इनफैक्ट उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और बीटा इमिशन वहाँ पे होगी, बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन इमिशन वहाँ पे इन्फेक्ट होगी। अब जो पॉजिट्रॉन एमिट हो रहे हैं दे विल क्विकली इनकाउंटर एन इलेक्ट्रॉन एनहिलेट। अब जब प्रोसेस एनिलेशन होगा यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो हम पढ़ चुके हैं एनिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो मैटर है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। तो दो गैमा फोटॉन्स जो हैं वो जनरेट होंगे, दे विल बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द वैल्यू ऑफ ईच गैमा फोटॉन, द एनर्जी ऑफ ईच गैमा फोटॉन विल बी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ज़्यादा फेमिलियर मेरा ख्याल है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे, तो ये वैल्यू सेम ही है, मेगा में है या किलो में है वो चेक कर लेंगे हम यहाँ पे। तो किलो इलेक्ट्रॉन में तो 511 है, मेगा में होती तो 0.51 होती। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो एंटी न्यूट्रिनोज थे उन्होंने जो है इंटरेक्ट किया विद द प्रोटॉन्स ऑफ द वाटर और पॉजिट्रॉन इमिशन हुई वहाँ पे। पॉजिट्रॉन इमिशन जो है इट अगेन एनिलेट विद इलेक्ट्रॉन और उसने क्या जनरेट किया, गैमा रेज जनरेट की। ठीक है, अच्छा,
दिस एनिहिलेशन प्रोसेस टेक्स 10 टू द रेस पावर माइनस 14 टू 10 टू द रेस पावर माइनस 15 सेकेंड्स एनिहिलेशन का प्रोसेस। द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड, अब न्यूट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस हुए, इस एंटी न्यूट्रिनो के इंट्रैक्शन किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, उसने क्या प्रोड्यूस किया, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया। अब वो जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं कोलाइड विद मोस्टली हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड कीप ऑन लूजिंग एनर्जी एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। अब जाहिर सी बात है जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, स्लो डाउन होंगे एक कोलिजन की वजह से विद द हाइड्रोजन एटम्स इन द वाटर। द स्लोइंग डाउन प्रोसेस टेक्स 10 टू द रेज पावर माइनस 8 सेकेंड्स, ठीक है, दैट इज 10 टू द रेज पावर माइनस 8 सेकेंड इट शुड बी। दीज स्लो न्यूट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय कैडमियम। अब वो जो स्लो डाउन हमारे पास न्यूट्रॉन्स थे वो किसने कैप्चर कर लिए, कैडमियम ने कैप्चर कर लिए फॉर्मिंग अ कंपाउंड न्यूक्लियस विच डिकेज एमिटिंग गैमा रे ऑफ 9.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जो न्यूट्रॉन स्लो डाउन हुए थे वो कैप्चर हो गए किसकी वजह से, कैडमियम की वजह से, जो हमने मिक्स किया था वाटर के अंदर। अब उसने वो न्यूट्रॉन्स कैप्चर किए, कैप्चर करने के बाद वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया एंड देन इट डिकेज बाय एमिटिंग गैमा रे ऑफ 9.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास दो डिफरेंट एनर्जीज आ गई, एक 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 9.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोथ दीज गैमा रेज ऑफ 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 9.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर डिटेक्टेड बाय सेंटिलेशन डिटेक्टर्स। अब ये जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके लिए डिटेक्टर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं, जो क्या करेंगे इनको डिटेक्ट करेंगे और जब इनको डिटेक्ट करेंगे तो इनको कन्वर्ट कर देंगे वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंटी न्यूट्रिनोज जो है वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ ऑलमोस्ट कंटिन्यू फॉर 8 ईयर्स, तो उसने ये शो किया कि ये सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इन दोनों सिग्नल्स के प्रोड्यूस होने के दरमियान जो गैप है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेवलप बाय रेंज एंड कोवन, दे वर एबल टू ऑब्जर्व अबाउट 2 सच इवेंट्स पर आवर। पर आवर उनको इस तरह के 2 सिग्नल जो हैं वो रिसीव हुए और फिर ये बहुत अरसे तक ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इसी तरह से कंटिन्यू रहे फॉर द कंफर्मेशन कि बाकी एंटी न्यूट्रिनोज जो हैं वो न्यूट्रिनो से एक डिफरेंट पार्टिकल है, वो रियल पार्टिकल और वो एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ इमेजिनेटिव एंड केयरफुल सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रेन एंड कार्बन इन 1960 वर एबल टू कन्फर्म डायरेक्टली द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बेसिकली एक सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और उसकी एक्सप्लेनेशन है जो एक्सप्लेन करती है कि एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनोस एक डिफरेंट पार्टिकल है और ये वर्चुअल पार्टिकल नहीं, एक रियल पार्टिकल है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है।